हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये है रिगार्डिंग टाइमिंग। व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइमिंग फॉर फाइलिंग वीज़ा? अब ये लोग काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं और काफ़ी के दिमाग में भी होता है और काफ़ी इसके बारे में चल भी रहा है कि इस टाइम पर वीज़ा लगा लो, अब ये ट्रेंड चल रहा है। तो इसमें हम थोड़ा नॉलेज आपको देंगे कि व्हाट इज़ द रियलिटी एंड क्या होता है, व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि ये हर एक के लिए कॉमन नहीं होता। हम आपको यहाँ चार पांच सिनेरियो बताऊँगा मैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इट इज़ नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है कि मैं बोल दूँ कि मार्च में टाइम परफेक्ट, सबके लिए नहीं है वो, राइट? तो ये प्रोफाइल वाइज होता है, कैसी आपकी प्रोफाइल है, कैसे आपके सर्कमस्टांस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसके हिसाब से ही लगाना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको नोट करूँगा कि सबसे ज़्यादा ये एप्लीकेबल रहता है फ्रेश पासपोर्ट्स के ऊपर। अगर आपका रिफ्यूज़ल आया हुआ है पहले, वैसे रिफ्यूज़ल डरने की कोई बात नहीं, हम हमेशा बोलते हैं रिफ्यूज़ल आया नो प्रॉब्लम, आप दोबारा फाइल कर सकते हो वीज़ा, मिस्टर वीज़ा के रिगार्डिंग, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ बात, दिस इज़ टोटली फ्रेश वीज़ा के ऊपर हैं कि उनके लिए परफेक्ट टाइम कौन सा है। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान से देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपका कोई आप डिस्कशन करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दिस इज़ प्रोफाइल स्पेसिफिक, तो यू हैव टू डिस्कस योर केस, तभी आपको पता पाएगा कि कौन सा आपका परफेक्ट टाइम है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कभी भी आप जब भी डिसाइड करें वीज़ा फाइल करने का, कभी भी कोई पब्लिक इवेंट होता है कि जो ओपन टू ऑल, उसके लिए कभी भी आप वीज़ा का रीज़न, पर्पज़ ऑफ विजिटिंग एनी कंट्री, हम ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा फोकस करते हैं, सभी कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। तो कभी भी आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा कोई इवेंट नहीं ढूंढना जो कि पब्लिकली है एसेसिबल, मीन्स कोई मैच हो रहा है, राइट? कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, कोई फुटबॉल मैच हो रहा है, कोई फीफा, एनी पब्लिक इवेंट जिसके बढ़ चढ़ कर ऐड की जा रही है, जिसका नॉलेज सबको हो गया, उस इवेंट के लिए अगर आप डालोगे तो आप अपने आप समझ लो कि उस इवेंट के बारे में काफ़ी लोगों को मालूम है और काफ़ी लोग उसको यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। और वहाँ पर आती है डिल्यूशन। ठीक है, ये लास्ट ईयर की बात है, वर्ल्ड कप लास्ट जब भी हुआ था, काफ़ी एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, जो मैच की एबीसी भी नहीं जानता उसने भी लगा दिया मुझे मैच देखना है। तो ऐसे स्टेज में क्या होता है, वो कंप्यूटर को जॉब असाइन कर देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा एप्लीकेशन हो जाती है टू मेंटेन द टाइम फ्रेम, जो लाइव मेम्बर्स या ऑफिसर्स हैं उनके बस का नहीं रहता, तो फिर कंप्यूटर से काफ़ी रिफ्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो नंबर वन जो मैसेज इस वीडियो में है और सबसे इम्पॉर्टेंट, कि नेवर यूज़ पब्लिक इवेंट एज ए पर्पस ऑफ योर ट्रैवल, कभी भी मत करें, ये सबके लिए यूनिवर्सल है। ठीक है, अब नंबर टू, चूज़ पर्सनल इवेंट्स। ये हम पहले भी एक आध बार में बताया, तो इसमें डिटेल में आपको बता रहा हूँ पर्सनल इवेंट्स क्या होते हैं। पर्सनल इवेंट होते हैं स्पेसिफिक टू यू, जो सिर्फ आपके लिए सिग्निफिकेंट है, मतलब फैमिली इवेंट्स। अब इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, बर्थडेज आते हैं, एनिवर्सरीज आती हैं और कुछ स्पेशल रिलेटिव्स के भी कुछ इवेंट्स आते हैं, उसमें आपको जाना पड़ता है। अब रिलेटिव्स वाला यहाँ पर आप कंफ्यूज मत कर दें, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं इफ़ यू आर यंग एप्लीकेंट और वो जो रिलेटिव है आपका पीआर नहीं है, किसी टेम्परेरी वीज़ा पर है और आपका रियल रिलेटिव भी नहीं है, तो नेवर यूटिलाइज इनविटेशन। और फ्रेंड्स का तो खासकर, तब आप इंडिपेंडेंटली जाइए। तो ये जो इनवाइटेड वाले इवेंट्स हैं, ये स्पेसिफिकली स्पॉन्सर्ड वीज़ास के लिए हैं, ये हम आपको क्लेरिफाई कर देते हैं जब इनविटेशन आना है। अदरवाइज जो पर्सनल इवेंट्स हैं वो आपके अपने, कि मेरा बर्थडे है मैंने सेलिब्रेट करने जाना, मेरे बच्चे का बर्थडे है मैंने सेलिब्रेट करने जाना, मेरी वाइफ के साथ हमने जाना, एनिवर्सरी है, मेरी मदर का बर्थडे, हम सब फैमिली जा रहे हैं। सो दीज आर पर्सनल इवेंट्स। दिस इज़ द सेकेंड मैसेज, कि आप पर्सनल इवेंट पर ही हमेशा फोकस करें। थर्ड मैसेज इसमें ये है, ट्रेंड को लेके। इसमें हमने पहले भी कई बार बताया हुआ, कभी भी कोई ट्रेंड नहीं होता,
एक दो कहीं पर आपको दिखते हैं वीज़ा आ रहे हैं, आप कहते हैं ट्रेंड शुरू हो गया, हमें फाइल करना चाहिए। रॉन्ग अप्रोच, कभी भी ट्रेंड नहीं, ये तो कभी भी नहीं होता। ट्रेंड जो वर्ड है ना भाई, आपका ट्रेंड चल रहा है वीज़ा का, आ जाओ, ये ऑस्ट्रेलिया वीज़ा दे रहा है, ये वीज़ा दे रहा है, वो वीज़ा दे रहा है, दैट इज़ अ रॉन्ग मैसेज। हमेशा वीज़ा आपके सरकमस्टांस और प्रोफाइल पे मिलता है, और इस कभी भी इस मतलब बहकावे में आके भाई हाँ अब मार्च आ गया, मार्च में लगाओ वीज़े, आपका वीज़ा आ जाएगा, आपका ना इवेंट है पर्सनल, ना कोई तुक बन रहा है उसमें लगाने का, आप बस वो ट्रेंड में बह के लगा रहे हो, मार्च में रिफ्यूज़ल आ जाएगा। तो कभी भी ट्रेंड वाली जो चीज़ है, हम कभी भी ऐसा पब्लिसाइज नहीं करते चीज़ें कि हाँ जी अब ट्रेंड है आ जाओ। हमारे से क्वेश्चन होते हैं, हमेशा कहते हैं प्रोफाइल स्पेसिफिक, सरकमस्टांस स्पेसिफिक वीज़ा आता। तो कभी भी नेवर एवर बिलीव ऑन ट्रेंड थिंग। वीडियोज़ बहुत लोग बनाते हैं बट जेन्युइननेस नहीं होती है सब में, वो आप ध्यान में रखिए बात, ठीक है, क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, हमें मालूम है कैसे आता वीज़ा, राइट, प्रोफाइल प्लस सरकमस्टांस। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, परफेक्ट टाइम, ये आपसे रिलेटेड होना चाहिए हमेशा, मतलब आपसे पर्सनल, मतलब आपकी फैमिली से रिलेटेड, इमीडिएट रियल, ठीक है, काफ़ी दूर का भी नहीं है, भाई मेरे चाचा जी का बेटे का बर्थडे है मैं उसको मनाने जा रहा हूँ, नो, आपकी रियल फैमिलीज, ठीक है। परफेक्ट टाइम का जब आप सोच रहे हैं कि कौन सा परफेक्ट टाइम है, वो मैंने आपको बता दिया कि आपके पर्सनल इवेंट्स के आसपास आता है। अब मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ ज़रूर बताऊँगा कि किस टाइम में आपको कभी भी अवॉइड करना चाहिए, कुछ एक्सेप्शन है उसमें, वो मैं बताता हूँ, वो है दिसंबर। दिसंबर में होता है क्रिसमस, और मोस्टली अंत इंतहा एप्लीकेशन लगती है, भाई हॉलीडे सीज़न है हमने लगाना, और यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम यूज़ करके रिफ्यूज़ल्स की जाती हैं, अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स भी रिफ्यूज़ होती हैं। तो कभी भी अगर आपका पर्सनल इवेंट नहीं बन रहा दिसंबर में, पर्सनल इवेंट का मतलब मैं बता चुका हूँ, आपका कोई बर्थडे नहीं आ रहा, आपका कोई एनिवर्सरी नहीं आ रही, कोई ऐसा स्पेशल इवेंट आपके नहीं है रिलेटेड, जस्ट आप एक दिसंबर की वजह से भाई क्रिसमस है, कभी भी वीज़ा मत लगाएं, ये जर्नलाइज्ड है, सबके लिए अप्लीकेबल है। अगर आप वो क्रिसमस को लेके, भाई दिसंबर में तो बहुत अच्छा सीज़न है उसमें हम लगाते हैं, उसको लेके आप करेंगे, दैट इज़ ए ब्लंडर मिस्टेक। नेवर एवर फाइल वीज़ा इन दिसंबर, अगर आपका कोई पर्सनल इवेंट नहीं आ रहा है तो, अगर आप करेंगे तो रिफ्यूज़ल पक्का आएगी, ठीक है ना। पर्सनल इवेंट्स को छोड़ के बोल रहा हूँ, आप मिक्स मत कर दीजिए कि चीज़ें, पूरी ध्यान से मैं एक समरी भी दूंगा, उसको एक बार पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, उसमें आप क्या होता है मोस्टली कोई शुरू शुरू का देख के मिक्स कर देते हैं चीज़ें, तो कई बार वो मीटिंग्स में पूछते हैं, तो हमने कहा हमने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं है, ठीक है ना। तो पूरा आप ध्यान से सुने वीडियो, मैं बड़ा क्लैरिटी से बता दें, तो अब मैं समराइज़ कर रहा हूँ। पहला, कभी भी किसी पब्लिक इवेंट को लेके बेस बना के वीज़ा फाइल मत करें, अवॉइड पब्लिक इवेंट्स। पब्लिक इवेंट्स में क्या आता है, मैचेस आते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, एनी मैच, एनी पब्लिक इवेंट, मैचेस स्पोर्ट्स को ही नहीं कह रहा मैं, और भी कई इवेंट होते हैं, कोई एक्टर आ रहा है, कोई काफ़ी ज़्यादा तादाद पे कोई इवेंट हो रहा है, वो चीज़ है, अवॉइड दैट। नंबर टू, फोकस ऑन योर पर्सनल इवेंट्स। पर्सनल इवेंट्स को हमेशा नंबर वन पे रखिए कि हमारी फैमिली में बच्चे का बर्थडे, उसका बर्थडे, उसको बेस बना के जरूर, दैट इज़ अ परफेक्ट टाइम। नंबर थ्री, देर इज़ नो थिंग लाइक ट्रेंड। ट्रेंड में कभी भी विश्वास मत करें, भाई अब आ रहे हैं वीज़े, आप लगा दो, चाहे आपको मिलता है, ठीक है, थैंक यू।